नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाएंगे और कथनी करने में जो होने वाला फ़र्क है उसको जीरो करेंगे। हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल था, अभी त्रिवेणी सर्विसेज के नाम से हम इसको नाम हमने चेंज कर दिया है। एज ए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रोनेट, हमारा जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो ये है। हम रोनेट बहुत सारे सर्विस डे बाई डे लॉन्च कर रही है। अभी पिछली सर्विस उन्होंने लॉन्च किया था NSDL का अकाउंट ओपनिंग सर्विस, जो अच्छे से काम कर रहा है। अभी उन्होंने लेटेस्ट रोनेट के थ्रू वेस्टर्न यूनियन, जो कि फॉरेन से पैसा फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके वेस्टर्न यूनियन सर्विस प्रोवाइड कर देता है, उसमें उसके तहत आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की सर्विस एक्टिवेट किया है रोनेट ने अपने पोर्टल पे, जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव से, जो फ्रेंड्स जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और वो बिना वेस्टर्न यूनियन के सेंटर पे जाए हुए अपने विलेज और रिमोट एरिया में भी, जो रोनेट का की CSP चलाते हैं, उनके पास जाकर पैसा मंगा सकते हैं। देन जो भी CSP जिनके पास रोनेट का है वो इस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन एज ए प्रिंसिपल एजेंट के रूप में लाइसेंस मिला है। मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन को एज ए अथराइज किया गया है रोनेट को एज ए सब एजेंट के रूप में, रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड ने MTSS मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के तहत रोनेट को एज ए सब एजेंट अपॉइंट किया है, जिसमें जिससे वो IMT सर्विस एक्टिवेट अपने CSP को कर सकता है। सो प्लीज़ लाइव सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। जो हमारा आज का वीडियो है इसी IMT सर्विस को CSP अपने पोर्टल पे कैसे एक्टिवेट करें उसी पे आधारित है। जो कि 2021 में रोनेट ने वेस्टर्न यूनियन के साथ जो सर्विस स्टार्ट किया है मुथूट फाइनेंस के द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, उसमें आप रोनेट की CSP ID में इस नई सर्विस को आप जो लॉन्च किया है कि अभी लेटेस्ट विद इन वीक है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। IMT सर्विस का पूरा नाम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र है, जिससे जिसमें हम भारत के बाहर जो भी विदेश में आपके फ्रेंड्स रिलेटिव पैसा अर्निंग करते हैं उससे हम पैसा मंगा सकते हैं। इसमें आप जिस अगर फॉरेन में आप जॉब या सर्विस करते हैं तो उसमें अर्निंग आपकी फॉरेन करेंसी में होती है। जब फॉरेन करेंसी में आपकी अर्निंग होती है तो उसमें आपको कैश या फॉरेन करेंसी को ले जाकर उसके वेस्टर्न यूनियन का जो सेंटर है वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको अपना पैसा जमा करेंगे फॉरेन करेंसी को, देन वहाँ पे जमा करने के बाद उसमें एक यूनिक यूनिक कोड मिलता है। उस यूनिक कोड को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को बता देते हैं, देन जो आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव है उस यूनिक कोड को लेकर के वेस्टर्न यूनियन के सेंटर पे जाता है, और वेस्टर्न यूनियन के सेंटर पे जाने के बाद आप वो कोड उनको प्रोवाइड करता है, देन वेस्टर्न यूनियन का सेंटर उनको वो पैसे जो फॉरेन से उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव ने भेजा है बाई कैश या बाई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम सर्विस अब आपको वेस्टर्न यूनियन के सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा, रोनेट के CSP सेंटर पे ही जाकर मिल जाएगी। अगर आपका रोनेट का जो CSP है अगर वो IMT सर्विस को अपने पोर्टल पे एक्टिवेट करा लेता है देन, तो प्लीज़ इस सर्विस को जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है बहुत इजी वे में एक्टिवेट किया जा रहा है। आप अगर चाहते हैं तो इन नंबरों पे से कांटेक्ट करके आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस को अपने रोनेट के पोर्टल पे एक्टिवेट करा सकते हैं। जो रोनेट का IMT सर्विस है, अगर CSP अपने एक्टिव पोर्टल पे एक्टिवेट कराता है तो उसमें जो कमीशन मिलता है वो अलग अलग देशों में जो कमीशन है वो अलग अलग है। अगर हम UAE यूनाइटेड स्टेट UAE की बात करें, उसमें CSP का कमीशन 0.3% है। उसमें 1 लाख रुपये मंगाने पर फॉरेन से इंडिया में 370 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर कतर से मंगाते हैं तो
33% के हिसाब से 1 लाख रुपये 330 रुपये मिलेगा। अगर हम यूएस से मंगाते हैं तो 0.26% के हिसाब से 1 लाख रुपये में 260 रुपये मिलेगा। वहीं हम फ्रांस में मंगाते हैं 0.338% के हिसाब से 1 लाख रुपये पे 380 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तो सबसे अधिक परसेंट आपका 0.38% है और सबसे कम आपका अमेरिका से है 0.26% है। फिर भी आपका जो भी फॉरेन से मंगाते हैं हमेशा बल्क अमाउंट आता है, तो एक बार कोई भी अमाउंट जमा मंगाता है तो 1 लाख प्लस होता है, देन आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो हमेशा 200 रुपये से 250 200 रुपये से 260 रुपये से प्लस होना है और 380 रुपये तक होना है 1 लाख रुपये तक मंगाते हैं। और यही चीज़ आप अगर अधिक मंगाते हैं तो वही परसेंटेज हिसाब से अमाउंट बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ ये IMT सर्विस अपने पोर्टल पे एक्टिवेट कराने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। जो आपका रोनेट का IMT सर्विस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसको RBI के द्वारा बहुत केयरफुली सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद ही एक्टिवेट किया जाता है, जिसमें आपका 14 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपका ARF फॉर्म है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका शॉप का एड्रेस प्रूफ है, कैंसिल चेक है, नेटवर्क सर्टिफिकेट है जो कि CA के द्वारा दिया जाता है, और CA का सर्टिफिकेट है, और सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपका बैलेंस शीट का है, प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस शीट है, सेल्फ डिक्लेरेशन क्रिमिनल केस का आपको देना पड़ेगा, साफ स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के रूप में आपको उद्योग आधार देना पड़ेगा, आपको जो आपका मैनेजमेंट है, आपका जो CSP का मैनेजमेंट है उसका जो प्रूफ है, मतलब मैनेजमेंट का प्रूफ, आप सेल्फ उसको ऑपरेट करते हैं या फिर पार्टनरशिप में ऑपरेट करते हैं, प्रोप्राइटरशिप में ऑपरेट करते हैं, उसका डिटेल देना पड़ेगा। बैंक डिटेल में जिस फॉरेन का पैसा जबकि जिस बैंक अकाउंट में आएगा उसका डिटेल देना पड़ेगा। आपको बैंक अकाउंट का सर्टिफिकेट बैंक मैनेजर से अप्रूव करा के देना पड़ेगा। 3 ईयर्स का आपको अपना बिजनेस प्लान देना पड़ेगा, ग्रोथ का क्या प्लान है, और आपको एक मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम का एक फॉर्म कंप्लीट करके देना पड़ेगा। आपको जो आपकी शॉप है, शॉप का लोकेशन का इंटीरियर और एक्सटीरियर फ़ोटो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारे 4 डॉक्यूमेंट आपके पास अगर अरेंज हो जाते हैं और आप चाहते हैं IMT सर्विस एक्टिवेट करने के लिए, तो आप इन दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो CSP का रोनेट का CSP का पोर्टल है उसमें आपको ये सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ये सारे फॉर्म्स आप वहाँ पे सर्विसेज में जाने के बाद अप्लाई फॉर IMT सर्विस करेंगे पोर्टल पे, तो ये सारे फॉर्म्स खुल के आ जाएंगे। इसमें आपको पहला कैंसिल चेक है, सैंपल को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करेंगे सैंपल फॉर्म और फॉर्म फिल करके यहाँ अपलोड करेंगे। नेटवर्क सर्टिफिकेट को सैंपल यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करेंगे, और CA का जो सर्टिफिकेट है वो CA सर्टिफिकेट जो देगा वो उसको यहाँ अपलोड करेंगे, और आपका जो ब्रांच मैनेजर आपके जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करके सैंपल यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, उसको फॉर्म फिल करके ब्रांच मैनेजर से वेरीफाई करा कर यहाँ अपलोड करेंगे। आपको लोकेशन का जो एक्सटीरियर फोटो यानी शॉप का फोटो एक्सटीरियर यहाँ पर अपलोड करेंगे, इंटीरियर का फोटो यहाँ अपलोड करेंगे, आपका शॉप का एड्रेस प्रूफ जो है उसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। शॉप के एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका टेलीफोन बिल और इंश्योरेंस का बिल, इंश्योरेंस कोई है, प्रीमियम और कोई भी प्रूफ है आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और शॉप का एस्टेब्लिश सर्टिफिकेट रूप में आप उद्योग आधार अपलोड यहाँ पे करेंगे, और जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका जो CSP है, रोनेट के CSP है, IMT सर्विस जहाँ पे एक्टिव हो चुकी है होगी वहाँ पे उसको कैसे मैनेज करेंगे, आपका कोई एम्प्लाई है, आपका कोई फर्म है, आपका कोई आपको पार्टनरशिप कैसे काम कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, और आपको जिस बैंक अकाउंट में फॉरेन से पैसा आएगा उसका डिटेल यहाँ पे अपलोड करेंगे, आपको जो प्रॉफिट बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे सैंपल फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, और आपका जो क्रिमिनल केस है
अगर पिछला कोई क्रिमिनल केस है, उसका डिक्लेरेशन सिंपल फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके उसको फिल करके साइन करके यहाँ अपलोड करेंगे। आपको MTTS मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के तहत आपको सब एजेंट के रूप में जो फॉर्मेलिटी है वो सारा फॉर्म सैंपल डाउनलोड करके यहाँ से देन यहाँ पर अपलोड करेंगे। और 3 ईयर्स का जो बिजनेस प्लान है, आपका ग्रोथ क्या प्लान है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ईयर बाई ईयर कितना इंक्रीज होंगे, उसका डिटेल यहाँ पे फिल करके अपलोड करना है। ये सारे फॉर्म्स आपको हमारे थ्रू भी मिल सकते हैं। अगर आपके पास पहले से आपका पोर्टल नहीं है CSP का, पोर्टल डोनेट का, तो वो फॉर्म सारे हमसे लेकर के फिल करके कंप्लीट करके भी आप हमको दे सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको AMT सर्विस का प्रोसेस क्या है एक्टिवेट होने का। सबसे पहले आपको CSP अपने जो लॉगिन है एक्सप्रेसो रोनेट का पोर्टल, उसमें लॉगिन करने के लिए आप अपना CSP ID पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद उसमें अकाउंट ओपनिंग पे जाना है। उसमें जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ओपन IMT का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। उसके बाद अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट, जितने हमने सारे डॉक्यूमेंट आपने पहले से बताया है, ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से आप तैयार करके रखे रहिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब पहले से तैयार रखे रहेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट को पोर्टल पे वहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद वहाँ पे जो आपका स्टेटस दिखाएगा वो पेंडिंग दिखाएगा। ऑपरेशन टीम सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी जो आपने अपलोड किया है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ऑपरेशन टीम उसको अगर सही होगा तो आपको वो मुथूट को फॉरवर्ड कर देगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऑपरेशन टीम आपको उसको कमेंट्स के साथ उसको रिजेक्ट कर देगी। आप उसको दोबारा सही करके फिर अगेन उसको फॉर्म को पोर्टल पे अपलोड करिए। अगेन जब सारे फॉर्म सही हो जाएंगे, मुथूट जो टीम है वो सारे आप डॉक्यूमेंट को आपको चेक करेगी। चेक करने के बाद उसको अप्रूव करेगी अगर सभी फॉर्म आपके सही पाए गए। अगर उसमें फॉर्म में कोई गड़बड़ हुआ तो वो रोनेट को इन्फॉर्म करेगी और रोनेट की ऑपरेशन टीम आपको इन्फॉर्म करेगी। अगर आपकी CSP जो है मुथूट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो वो ऑपरेशन टीम आपको अपडेट करेगी। जो स्टेटस आप उसमें आप की जो स्टेटस देखेंगे उसमें आपको एज ए अप्रूव्ड दिखा देगा। अगर आपका ये 9 स्टेप में आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, 10वें स्टेप में आपका जो मुथूट की टीम है वो डायरेक्टली आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देगी। आप उसको अपने पोर्टल से डाउनलोड कर ले सकते हैं। उसके बाद आप उसको सर्टिफिकेट को अपने शॉप में लगा करके IMT सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो 10 स्टेप है वो 10 स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो एग्रीमेंट है वो CSP आपको आपको CSP कोरियर के द्वारा, मुथूट के द्वारा उस एड्रेस पे, शॉप एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। अगर आपके वो फिजिकल भी आपके लोकेशन पे आ सकता है अगर आपके CSP मुथूट के टीम के द्वारा वो आपके फिजिकल लोकेशन पे भी आ सकता है। देन अगर आपको बाय पोस्ट आया है तो उसको आप साइन करके उसको कोरियर कर दें मुथूट को। अगर अगर फिजिकल टीम मुथूट की टीम आई है तो आपको वो शॉप को आपकी फिजिकली वेरीफाई भी करेगी और फॉर्म साइन करके आप उनको दे भी देंगे। जो इनरोलमेंट फीस है IMT सर्विस के रोनेट पोर्टल पे वो 1,999 रुपये है। उसमें आपका जो CA का जो कॉस्ट है उसमें इंक्लूड है। CA अपना सर्टिफिकेट देगा आपको, जो भी CA के द्वारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, सर्टिफिकेट, बहुत 3 सर्टिफिकेट CA के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं और एक CA का सर्टिफिकेट लगता है। ये पैसा उसमें इंक्लूडेड है। अगर अब बात करें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, 2,000 रुपये में 7.5% आपका डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है। और इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपने किसी भी CSP को इस सर्विस को देना चाहता है तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी वो CSP को ये सर्विस दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए गए हैं वो मुथूट की टीम के द्वारा 4 दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि उसमें डॉक्यूमेंट में क्या सही है और क्या गलत है। अगर सही सारे डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो आपको जो IMT की सर्विस है उसको 30 दिनों के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये वेस्टर्न यूनियन के द्वारा निर्धारित समय सीमा निर्धारित किया गया है। मेथड यूनियन के
अनुसार आपके सारे प्रोसेस 15 से 20 दिन में समाप्त हो जाते हैं, फिर भी आपको 30 दिनों की समय सीमा अधिक से अधिक दिया जाता है। देन आप जल्दी से जल्दी इस सर्विस को एक्टिवेट करा करके अपने विलेज और रिमोट एरिया में अगर इस सर्विस को देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर संपर्क करके IMT सर्विस को जल्दी से जल्दी आप एक्टिवेट करा के अपने फॉरेन में जो भी आपके लोकेशन से गया है तो आप अपने लोकेशन पे उनको IMT सर्विस दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो फॉर्म है वो इस तरह से फॉर्म है। पहला जो 14 डॉक्यूमेंट बताए गए थे उसको हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं कि किस टाइप से फॉर्म है जो कि आप हमसे ले सकते हैं और उसको फॉर्म भर करके IMT सर्विस को हमको देना है। इस तरह से ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको फॉर्म को फिल कर करके आपको देना है। और शॉप एड्रेस ग्रुप में आपको टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इंश्योरेंस का पेमेंट रिसिप्ट देना है, आपको बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किए हैं वो सकते दे सकते हैं, आपका कोई लीज एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है उसको देख सकते हैं। इनमें से कोई एक प्रूफ आपका शॉप प्रूफ एड्रेस ग्रुप में चलेगा। अगर बात करें कैंसिल चेक का, आपको कैंसिल चेक को इस तरह से देना है। और नेटवर्थ सर्टिफिकेट जो आपको देना है वो इस तरह से फॉर्म है कि अपना नेम, पैन नंबर, प्रोप्राइटर से अगर फर्म है तो प्रोप्राइटर, और जो आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट है मतलब आपके पास जो है वो डिटेल दे देंगे। उसके बाद ये आपका साइन करना पड़ेगा, सीए है स्टैम्प करके साइन करके देगा। और इसमें जो ब्रांच मैनेजर के द्वारा दिया जाता है आपका जो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है जिस नाम से वो यहाँ लिखा जाएगा उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा, और आपके पास कौन सा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है वो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, कितने साल से है वो यहाँ डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो बैंक है वो नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का साइन होगा। उसके बाद आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो CSP रोनेट की CSP का मैनेजमेंट है वो किस तरह से है, आप सेल्फ ऑपरेट करते हैं, वो एज ए प्रोप्रेटरशिप है या फिर एज ए कंपनी आपको काम करना है, उसका डिटेल यहाँ पे देना है। देन आपको यहाँ पे बैंक डिटेल देना है, बैंक डिटेल में मैनेजमेंट के रूप में आपका बेनिफिशियरी का नाम, एड्रेस प्रूफ, पैन, GST, बैंक नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस प्रूफ, IFSC कोड, ईमेल ID, 2 अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। और हम बात करें सेल्फ डिक्लेरेशन का, सेल्फ डिक्लेरेशन जो बैलेंस शीट का देना है वो इस तरह से देना है, सारा डिटेल सब कुछ देना है। ये बैलेंस शीट आपको अगर आपके पास पहले से 3 साल का आपके पास ITR नहीं है उस केस में बैलेंस और प्रॉफिट का डिटेल देना है। इसमें आप यही डिक्लेयर करते हैं कि आपका जो टोटल टर्नओवर है, थ्रेशोल्ड लिमिट यानी 5 लाख रुपए जो है उससे कम है, देन आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, देन आपको 3 साल का जो ITR है वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं देन 3 साल का जो ITR है वो आप देंगे, आपको ये प्रॉफिट बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस शीट देने की ज़रूरत नहीं है, और 3 साल का वहाँ पर ITR दे दीजिए वो यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा। और ITR नहीं है 3 साल का तो आप ये डिक्लेरेशन दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में, देन ये आपका एक्सेप्टेड होगा। अगर हम बात करेंगे क्रिमिनल केस की तो अगर आप पहले से कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो यहाँ डिटेल भर करके टिक करके साइन करके देना, आपका पहले से कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो यहाँ पे उसका जो केस नंबर है, केस किस टाइप है वो डिटेल आपको यहाँ देनी है। अगर बात करें आपका बिजनेस प्लान का तो फर्स्ट ईयर कितने ट्रांजेक्शन की पॉसिबिलिटी है, सेकेंड ईयर कितना हो सकता है, थर्ड ईयर क्या हो सकता है, ये प्रपोजल है, प्रपोज्ड वे में आप मेंशन करके दे सकते हैं, फिर आगे ने यहाँ पे साइन करना है। अगर बात करें शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट की बात करें तो उसके लिए आपको 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 अपना एक उद्योग आधार देना पड़ेगा। ये उद्योग आधार MSME की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन करके जनरेट करके आधार से वेरीफाई करके दे सकते हैं। अगर हम बात करें आपको जो फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड ने, RBI ने मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम MTTS के थ्रू आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाता है, इसमें सारे डिटेल्स बताया जाता है, आप सब एजेंट कैटेगरी में आपका नाम, आप किस रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड नंबर, वो सारा डिटेल सब कुछ आपको बताया जाएगा, वो सारा भर करके
आपको यहाँ साइन करके देना पड़ेगा। चूंकि आपके पास पहले से CSV ID है, तब तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके खुद भी हमारे द्वारा CSP अगर हैं तो सारे डॉक्यूमेंट आप हमको प्रोवाइड करेंगे, देन हम सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सही करके चेक करके अपलोड करके IMT सर्विस एक्टिवेट करा के देंगे। आपके पास पहले से रोनेट का अगर पोर्टल नहीं है तो आप इन नंबर पर संपर्क करके ये आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और अपना पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ दे करके आप रोनेट का पोर्टल 2 दिन के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके IMT सर्विस एक्टिवेट करा सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। तो एज ए त्रिवेणी सर्विसेस हमारे पास कई सर्व 3 सर्विसेस अवेलेबल हैं। टाटा इंडिकेस के मास्टर फ्रेंचाइजी हैं हम, उसके तहत आप अगर अपने लोकेशन पे टाटा इंडिकेस का ATM लगवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। NSDL के भी हम मास्टर फ्रेंचाइजी हैं, तो अगर NSDL का आपको CSP चाहिए तो आपने डायरेक्ट CSP चाहिए तो 5,000 रुपये में आप इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। अगर आपको रूनेट के का CSP चाहिए और रूनेट की सर्विसेज चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करके रूनेट की सर्विस ले सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टीम टू एम्पावर आवर रूरल और रिमोट एरिया फॉर डिजिटल बैंकिंग एंड कैश। मीन्स प्लीज़ हमारे टीम में शामिल होइए, हमारे रूरल और रिमोट एरिया है उसको डिजिटल बैंकिंग और कैश से मजबूती प्रदान करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो पर डे आप अपना इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं प्रीपेड कार्ड के द्वारा, उस पर आधारित है कि रूनेट के पोर्टल पे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसमें पर डे आप अपने प्रीपेड कार्ड में अपना वैलेट से पैसा ऐड करेंगे तो, और ऐड करेंगे तो 0.85% मिलता है, यानी आपको ये 1 लाख रुपए पे 850 प्रीपेड कार्ड अपने वैलेट में ट्रांसफ़र, वैलेट से प्रीपेड कार्ड में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं तो 850 रुपये पर डे आपको इनकम होगा। अगेन प्रीपेड कार्ड से आप वैलेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसा, तो वैलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद आपका अपना जो दिन भर का बिजनेस है उसको करिए, देन नेक्स्ट डे फिर उस अमाउंट को अपने वैलेट से प्रीपेड कार्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर 1 लाख रुपये पर डे ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरह से आपको 0.85% मतलब 850 रुपये 1 लाख रुपये पे पर डे की इनकम हो सकती है। और इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।